ड्यूटी है, मैं वीडियो निकाल रहा था तो ये पब्लिक सर्वेंट है बराबर, एक आरोपी के साथ क्या कर रहा था? वक्त बताएंगे वो, देखो सब मालूम है साहब, हाथ किस हिसाब से उठाया? पब्लिक सर्वेंट मैं निकालूंगा, मैं जर्नलिस्ट हूँ, साहूकार साहूकार है मालूम है मेरे को, बात मेरी तुम्हें सब बाहर आएंगे साहब, भाई आप भी बाहर आओगे, मैं भी आऊंगा, राजन का भले मोबाइल नहीं रखता है, सीडीआर निकलेगा, रवि का ना तो सब बाहर आएंगे। इन लोग है ना सर, ये कर रहे थे बीच में, मेरे को पुलिस के नाम का डालने को बोला, इन लोग ने मिसगाइड किया ना, तो इन लोग ने जब 4 लाख सेटल के लिए बुलाया, मैंने नीरव का वीडियो बना लिया। ओके, नीरव काकड़िया इसका आदमी रवि का, बराबर है सर? आपको FIR लिखो, मेरा मेरे पे हाथ उठाया उसने पब्लिक प्लेस पे, और मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे को मेरे काम करने से रोका नहीं, हो सकता है ना बोल दो, हाथ वेट नहीं कर सकते हमारे सर, ब्लड प्रेशर वाला साहब गए हैं पूछने के लिए DPI के लिए, मैं उनको ही मैसेज कर रहा हूँ। हेलो, ठीक है तुम्हारा नाम क्या बोला? वारिस अली सैयद साहब। वारिस, हमारे साहब गए पूछने आपका काम करने के लिए गए है? अच्छा सर, हमको ब्लड प्रेशर वाला हूँ है दोस्त, पर हम भी बैठ गलत हो गया ना सर, रास्ते पे हाथ उठा दिया है, पब्लिक सर्वेंट है ये दोस्त, तो नौकरी तो है क्या, क्या है मेरे को? अच्छा एक्चुअली क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? okay, आपका okay, काम बताने के लिए साहब को पूछने के लिए गए, आपके काम के लिए गए, हम बैठे नहीं है। ओके साहब, आपका ही काम करने के लिए गए उधर, क्या करने का आगे? हाँ सर बराबर है, जो कानूनी प्रक्रिया चालू है। देखो तो आज क्या है, समझ जाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आज क्या है, 3 महीने से मैं ये काम में लगे हूँ। ये कब का है? पिछले हफ्ते का है सर, 6 दिन पहले का। किधर का है? फाइनेंसवाड़ी आपके डिवीजन में आता है। ओके, फैसल जो वसूली करता था उसका भी वीडियो मैंने बनवाया था और मैंने ही डाला था, और मैंने ही अभी आपको क्या तकलीफ है? FIR लिखो मेरा, किस बारे में? उसने मारा वही कंप्लेंट है ना, रस्ते पे जर्नलिस्ट को ऑन ड्यूटी पे मारा, पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या? और मैं पूरा चीज बताता हूँ ना, क्यों अटैक किया ये भी बताता हूँ, सबूत दूंगा, वीडियो जो लाइव था, हाथ उठाते हुए भी दिखेंगे, मैं गलत हूँ तो मैंने कुछ बोला है वो भी दिखेंगे। वो कदम से भीगे ना, हफ्ता वसूली वाले साहब, ये देखो लाइव वीडियो आज का, अभी 2 मिनट क्या आपको कंप्लेंट देना, FIR करना, FIR लेना है आप ले सकते हो, मैंने डाल दिया CP, अपना CP को टैग करके डाल दिया ट्विटर पर, ऑनलाइन ही था। ये देखो आके हाथ उठाएंगे, मैं तो बोलते हुए आया हूँ, मेरे पास वो भी वीडियो है जिसमें मैं रवि राजन इनका हफ्ता वसूली का नेक्सस को जो पकड़ने जा रहा हूँ, तो चौकी के बाहर खड़े मीटिंग करते हो मेरे लिए, ये भी मैंने वीडियो डाला है। देखो सर,
तो दोस्त कुमार आ गए, आगे वाला आदमी आगे वाला आ गया, बोलो बोलो उसको बोलो ना, एक सेकंड सर, निगम साहब है? निगम साहब जो डीपीआई उनके, नहीं नहीं वरना नहीं, मैं निगम साहब से, एक दो मिनट मैं निगम साहब से बात कर लूँगा। अरे तो पहले हांडी साहब हमारे डीपीआई के, हाँ तो आप यहाँ एफ आई आर लीजिए, आइए ना दो मिनट बात कीजिए। अगर सर उन लोग जाएंगे ना तो आपकी जवाबदारी है, ठीक है? कौन जाएंगे? तो ते आए ना, अरे भाई बेटा ये आईसी से जाएंगे, ठीक है सीनियर सर। नमस्ते हां जी, बस बैठो क्या टूटी? नहीं मैं प्लग पे चला था, ठंडा पानी अगर होगा तो मेहरबानी होगी, मेरा बैग में थोड़ा गिरी होगी। क्या गिरा? कुछ भी नहीं सर, एफ आई आर लीजिए स्लिप, इतना कीजिए आप मुझ पर। और अपना मैं तो लाइव वीडियो निकाल रहा था, मेरा आरएनआई का नंबर आप रजिस्टर करिए, चेक करिए आप मेरा डिटेल, ठीक है? वारिस अली सैयद आपसे बात हुई थी मेरी, बराबर? फैसल के मसले में, अर्जुन के मसले में मुलाकात नहीं हुई। हाँ सर, बराबर है, आपसे मैं इतना बात किया, बराबर? देखो सर, मैं काई के मसले में लगाऊँ, ये हाथ उठाने वाला कौन है? कौन है? हफ्ता वसूली वाला रवि, और बीएमसी ऑफिसर साथ में था, मेरे को टिप मिली तो मैं आया, वीडियो बना रहा था वो भी लाइव, और कमिश्नर को भी टैग करके आप ट्विटर चेक करो। हाथ कैसा उठाया इसने मेरे पे? बस एफ आई आर लिखी है ना सर? चमाट मार दिया, मीन्स इसका मीन्स ऐसा हो गया कि दादागिरी है ना इन लोग का। तो मैंने पेटिशन भी फाइल किया, उसकी कॉपी दिखा रहा हूँ 13 तारीख की। हाँ सर, बोले वीडियो कैसा निकाला? जर्नलिस्ट अगर नहीं निकाल सकता तो मेरे को ये लिखित में देवे, ये पब्लिक सर्वेंट था एक, बराबर? एक आरोपी के साथ क्या कर रहा था, जिस पे इसी भी बीएमयू की 2016/2016 में केस है, जिसके ऊपर 400 अपना 250 से लेकर 400% ज़्यादा प्रॉपर्टी होने का एक लेबर जिसके पास इतना पैसा है कहाँ से आया? इसकी वाइफ को भी उठाया था, इसके वाइफ के नाम पे बेनामी असेसमेंट है, रविंद्र गजानन यादव अलियास रवि, बीएमसी रवि यादव, वही थे वो हजाम है अभी। लेकिन हकीकत देखा जाए तो नेक्सस का रैकेट चला रहा है, जिसको आज मैं 3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। नेक्सस चलाता है? कैसे साहब? नेक्सस मतलब रैकेट, एमसीओसी की एप्लीकेशन भी दी हुई है ईओडब्ल्यू में। कब हुआ है? अभी जस्ट सर, मेरे को फोन आया, मेरे को मालूम पड़ा कि ऑफिसर लोग मीटिंग कर रहे हैं, एक क्रिमिनल के साथ ऑफिसर क्या कर रहा था, पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट ने हाथ उठाया, बोले तो इट्स नॉट राइट, अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की भी अथॉरिटी है, और मैं तुम्हारे को उसके हिसाब से भी कंप्लेंट लेटर देता हूँ। हाँ राइट हैंड मिला, ऑनलाइन वीडियो देखो मैं बना रहा था, और वीडियो में भी ये लाइव में आ गया आपका ऑफ द रिकॉर्ड। क्या हुआ कि आप इधर पैकेज आए थे मुझे, आपको वीडियो बनाने इन लोग का, मैं तो बोलते हुए आ रहा हूँ ना, वीडियो है मेरे पास पूरा, ये क्या? वीडियो सेंड हो चुका है। किसको? कमिश्नर। कौन सा कमिश्नर? मुंबई पुलिस कमिश्नर, डीजी, आईजी, सबको, मेरा यही काम है सर। मैंने पर कौन सा वीडियो की? बताता ना सर, चाय लेंगे जाओ, जान लो चाय लेंगे, मैं नहीं पीता सर, क्या मंगाओ? ठंडा पानी खाली पिला देंगे तो बस हो गया।
सादा है, अगर ठंडा होगा तो देंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है। ठंडा तो प्रॉब्लम है थोड़ा, मैं लेके आऊँ बोले तो नहीं रहे, ले ना, उसमें क्या ठंडा पूरा वीडियो नहीं जाना है, ठंडा हो जाएगा पेट में। सीपी को टेक करके क्या है ये वीडियो है साहब जिसमें मेरे को मार रहा है, हाथ उठाया मेरे पे, मैं पहले से बोलते हुए आ रहा हूँ। कमीशन कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया तुम्हारी चौकी के बाहर कैसा? दो मोबाइल पे अलग अलग चालू थे, एक जेब में था। टीम एंड सी ऑफिस आई हैव कॉट राइट हैंड स्लैप मी आई एम एट द पुलिस अल्टिमा पुलिस स्टेशन विद वीडियो एविडेंस एट द सीपी ऑफिस सीपी मुंबई पुलिस इफ If I am not taken, I will be on road outside. I speed Delhi at unit address. ये वीडियो है। सेम है दोनों, वो सेंड भी पर्सनल भी हुआ है, मोबाइल नंबर पे भी डाला। मेरा अधिकार है निकालना। मैंने ये डाला है, अटैक होने को इसके बाद दिल्ली में। ठंडा पानी मैं तो भी 4 लाख रुपये खरीदने की करे तो वो नहीं वीडियो, वो पिक्चर रिलीज होना बाकी है। विजिलेंस कल आ गया बंद है सेंट्रल विजिलेंस, वो भी बता देता आपको। इसी भी सबके पास सभी सबके निगम में है, टी आर एस आपको दिया है, एडिशनल डी सी साउथ रीजन डी सी अपने सामंत सर है ना, अभी उनके मोबाइल पर पर्सनली भेजा हुआ बता रहा हूँ। व्हाट्सएप में मेरे पास इसका भी सबूत है, जो लोग मेरे को बोल रहे तो मैं पुलिस का नाम डाल दो, मैंने पूरा इंटरव्यू दिया तो भाई मेरे को कंफर्म है पुलिस का इसमें कोई लेना देना नहीं, बराबर। मैंने वीडियो प्लेस किया तो भाई ये मेरे को मिसगाइड कर रहे और ये ऐसा ऐसा मेरे को 4 लाख रुपये देने की बात कर रहा है, तो फिर उन्होंने ये बोल के तो निकल के दिखा वीडियो में 4 है ना तेरे पास, तेरा बाप को उन्हें क्या पता कर ले, तुझे पता चल जाएगा तेरे को दिखते हैं। हाँ राहुल ने कहा सब बोला है, मैंने मेरे सामने है वही इंक्वायरी चल रही है, दो मिनट दो मेरे को। हाँ दे दे दो मिनट दो मिनट और भी है दूसरे मोबाइल में भी है, पर्सनल है मतलब नहीं दिखा, इसमें ऐसे आवाज आ रही है। हाँ दिख रहे नहीं बोलेंगे आप मेरे को, मेरे को मालूम था मेरे पास दिखते हुए भी है, वो भी ट्वीट है दिखाऊं पे फाइल ली है। हाथ अच्छा हाथ उठाया ये कंफर्म कराया ना, तुम्हारे यहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करो, कर सकते हो यस बोलो, नहीं कर सकते नो बोलो, मैं चले आऊँगा चुपचाप सामने कमिश्नर ऑफिस सामने। वो तो इंसान अगर देखना चाहे तो सब दिखते हैं और नहीं देखना चाहे तो, ऐसा सोच सकता हूँ मैं, ऐसा है नहीं लेकिन मैं सोच सकता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ समझ रहा हूँ मैं। अच्छा चौकी लेके जा रहा कोई दिख रहा नहीं, चलो बंदा नहीं, बैकग्राउंड में मेरे पास दूसरा वीडियो चालू था। एफ आई लीजिए ना सर, दो बार पूछ रहा हूँ, नहीं भी ले सकते ना।